नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अपकमिंग आईपीओस के बारे में, यानी मार्केट में बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं, बट मैं आज उन आईपीओस के बारे में बात करने वाला हूं जो नेक्स्ट मार्केट में यानी नेक्स्ट कुछ मंथ्स में आने वाले हैं। कुछ आईपीओ की तो अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और कुछ आईपीओ की टेंटेटिव डिटेल्स आ चुकी है, बट बहुत जल्द ये आईपीओ मार्केट में आ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 कंपनी के नाम जिन कंपनी के आईपीओ बहुत जल्दी आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। और सबसे पहले एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, आईपीओ के सारे अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये कंपनी का आईपीओ जो है वो बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूं 19th ऑफ जून को, और इस कंपनी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है 20th जून को और क्लोज होगा 23rd जून को। अगर बात करें कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, तो एचएमए एग्रो इंडस्ट्री जो है वो एक फूड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडल करती है फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट, यानी फूड और एग्रो प्रोडक्ट्स में डील करती है, इंक्लूडिंग फ्रोजन फ्रेश डेलिकेंट बफेलो मीट। यानी ये जो कंपनी है वो बफेलो मीट में डील करती है जिसको फ्रोजन करके बाहर कंट्रीज में बेचा जाता है, इंडिया में और इंडिया के बाहर बेचा जाता है बफेलो मीट, और साथ में नेचुरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल एंड सीरियल्स इन इंडिया, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे एचएमए एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी डील करती है। आगे बात करेंगे, जो ये एचएमए एग्रो इंडस्ट्री है ना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्रोजन बफेलो मीट की इंडिया से, और इसके साथ साथ इस कंपनी के पास अच्छा मार्केट शेयर भी है। अब ये कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और एचएमए एग्रो का पूरा रिव्यू वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा, अगर आपको ये जानना है तो आई बटन पे ये वीडियो आ रही है एचएमए एग्रो लिमिटेड इंडस्ट्री की रिव्यू वीडियो, ये जरूर देखना। आगे मैं बता देता हूं, आईपीओ ओपन हो रहा है 20th जून को और क्लोज हो रहा है 23rd जून को। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बहुत ज्यादा नहीं चल रहा क्योंकि डिमांड ज्यादा देखने को इस आईपीओ में अभी नहीं मिल रही, उसके भी कुछ कारण है, वो कारण मैंने रिव्यू वीडियो में शेयर करा है, तो जरूर चेक आउट करना, आई बटन पे आ रही होगी। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है 28 टू 30 रुपीस के आसपास, और ये आईपीओ ओपन हो रहा है 20th को, क्लोज होगा 23rd को। आईपीओ का इशू साइज 480 करोड़ है जिसमें से फ्रेश इशू 150 सीआर का है और बाकी बचा 330 सीआर का यहां पर ऑफर फॉर सेल होने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आईपीओ, यानी सेकंड कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर बहुत जल्द आ रही है। इस कंपनी का नाम है आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है, उसकी सारी टेंटेटिव डिटेल आई बटन पे आ रही होगी, तो वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये जो कंपनी है, बेसिकली ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये ड्रोन बनाती है, और ये कंपनी जो ड्रोन बनाती है वो माइनिंग कंपनीज को काफी यूज होता है, डिफेंस कंपनीज को काफी यूज होता है। इस कंपनी के पास 50% का मार्केट शेयर है एज पर फिस्कल 2022। उसके साथ साथ बात करें तो ये 7th ग्लोबली कंपनी आती है जो ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है, काफी अच्छा इस कंपनी का बैकग्राउंड है। तो ये कंपनी बहुत जल्द अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो इस आईपीओ में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी फुल रिव्यू वीडियो भी मैं जरूर शेयर कर दूंगा, तो आप चैनल पे आपको मिल जाएगी। आगे एक दो चीजें मैं इसके साथ, इसकी कंपनी के बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मैं इसके जीएमपी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी इसकी एक दिन पहले, तब इसका जीएमपी चल रहा था 600 रुपीस के आसपास, और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 550 रुपीस, यानी 50 रुपए कम हुआ है, बट स्टिल इस कंपनी का ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद बता देता हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, यानी ये आईपीओ जो आ रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर वन, रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स, यानी जो कंपनी ने बोरोइंग्स ली हुई है, जो कर्जा लिया हुआ है, उसकी यहां पर कुछ पेमेंट या तो पूरी होगी या हाफ पेमेंट होगी। नंबर सेकंड, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसकी फंड करा जाएगा। नंबर थर्ड, इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होगा पैसा। और लास्ट आएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब बात करते हैं हमारे थर्ड कंपनी के बारे में जो अपना आईपीओ लेके बहुत जल्द आने वाली है। ये जितना आप देखो, जो मैंने सबसे पहले कंपनी बताई एचएमए, उसका आईपीओ ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट इसका अनाउंसमेंट हो जाएगी और 2-3 दिन में कंफर्म। अब जो मैं कंपनी का नाम ले रहा हूं, ये है पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड। ये मुंबई बेस्ड
कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी में काम करती है, यानी ये कंपनी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विस में डील करती है। ये कंपनी का आईपीओ भी बहुत जल्द लॉन्च होएगा, इसकी सारी डिटेल कंपनी के बारे में यहां पर शो कर रही है, आप चेकआउट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की अगर मैं बात करूं तो ये अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी सब्सिडरी में, उसके बाद फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करेंगे, और लास्ट जो हमारा होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। फोर्थ नंबर पे आईपीओ आता है डेल्टा टेक टेक्नोलॉजी कंपनी का, यानी डेल्टा टेक गेमिंग कंपनी एक है, उसका आईपीओ यहां पर आने वाला है। कब आने वाला है मैं जल्दी आपको ये सारे अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, तो जरूर ज्वाइन करना हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल। अब ये कंपनी करती क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेल्टा टेक गेमिंग जो है वो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है जो अलग अलग टाइप्स की गेम्स बनाती है। अब ये दो गेम्स खिलवाते हैं, सबसे पहले ध्यान रखो, नंबर वन ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, इनकी कंपनी का नाम है अड्डा 52। ये ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पोकर खेल के पैसा कमा सकते हो। ये वो वाली गेमिंग कंपनीज है जो पैसा कमाने के लिए आप ऑनलाइन गेम्स खेलो और पैसा कमाओ, ये उस टाइप की कंपनी है। इसके बाद सेकेंड इस कंपनी की जो मेन प्लेटफॉर्म है वो है adda.game, जो एक मल्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे काफी सारी गेम्स आप खेल के पैसा कमा सकते हो। अब इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, बट बहुत जल्द डेल्टा टेक गेमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ जाएगी। सारे अपडेट्स जल्दी हम आपको यहां पे यूट्यूब चैनल पे और अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अब लास्ट जो कंपनी अपना आईपीओ, जो हमारी आज की पांच कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके बहुत जल्द आ सकती है, उस कंपनी का नाम है CNDLM IPO Limited। यानी ये जो कंपनी है ये बेसिकली 1993 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है, जो कि ये कंपनी है ना काफी बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में ये लोग डील करते हैं। इस कंपनी के भी अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज होगा, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें यूज होगा, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट होगी कुछ बोरोइंग्स की, और लास्ट होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये इनका रीजन है आईपीओ लाने का। तो ये पांच कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। नंबर वन HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसका आईपीओ की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। नंबर सेकंड आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी, जिसका आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। नंबर थर्ड PKH वेंचर्स, इस मंथ या नेक्स्ट मंथ आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं डेल्टा टेक गेमिंग आईपीओ, बहुत जल्द आ जाएगा। और लास्ट है CNDLM आईपीओ। ये पांचों ही आईपीओ बहुत जल्द मार्केट में आ रहे हैं। इन पांचों ही आईपीओ में से आप कौन सा आईपीओ अप्लाई करोगे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और अगर इन पांचों ही आईपीओ में से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेरी हो इन पांचों आईपीओ में से, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। कभी भी आप कमेंट करो, मैं आपको 100% रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आईपीओ में अगर आप अपना चांस इंक्रीज करना चाहते हो अलॉटमेंट का, तब आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अपने पेरेंट्स के नाम भी, अपने सिस्टर ब्रदर सबके नाम आप ओपन करिए, ज्यादा से ज्यादा लॉट अप्लाई करोगे तभी आपको चांसेस इंक्रीज होगा, अलॉटमेंट मिलेगा। तो फ्री डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो धन के साथ, अपस्टॉक के साथ, पेटीएम मनी या एंजल के साथ। इन चारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसके साथ भी ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको हमारी जो फ्री प्राइम टेलीग्राम चैनल, जो हमारा क्लाइंट टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन आप कर सकते हो एक साल के लिए बिल्कुल फ्री। ज्वाइन करने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एक लास्ट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे सारे अपडेट्स के लिए, आईपीओ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हम डालते हैं उसके लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in, इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट करो फॉर अमेजिंग स्टफ एंड फ्री ईबुक्स। यानी फॉर अमेजिंग स्टफ और ईबुक्स के लिए हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in विजिट करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।